शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसमें वो अपने दोस्त के साथ नजर आ रही हैं। सुहाना के फैंस इस लड़के को उनका कॉलेज फ्रेंड बता रहे हैं जिसके साथ वो अक्सर पार्टी और आउटिंग पर जाती रहती हैं। इरफान खान काफी दिनों से लंदन के एक अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने एक इमोशनल लेटर लेकर बताया है कि वो ठीक है और अब वो इस दुनिया को करीब से जान रहे हैं। वो जल्दी ठीक होंगे और भारत वापसी करेंगे। विराट और अनुष्का शर्मा ने जिस आदमी को बीच सड़क पर कचरा फेंकने पर खरी खोटी सुनाई, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि बड़ी सेलिब्रिटी है। वो शाहरुख खान और गोविंदा समेत कई स्टार्स के साथ काम कर चुका है। अनहान ने अपने बचपन की तस्वीर इंस्टा पर शेयर की है जिसमें वो शाहरुख खान के साथ नजर आ रहे हैं। सलमान खान और भाग्यश्री की बेटी अभिमन्यु को बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले हैं। खबर है कि रेस 3 की सक्सेस पार्टी के दौरान भाग्यश्री ने सलमान से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि अभिमन्यु अब सलमान खान के साथ एक्टिंग की ट्रेनिंग लेंगे और वो उन्हें भी लॉन्च कर सकते हैं। शाहरुख खान अपनी फिल्म जीरो का क्लाइमेक्स सीन यूएस में शूट करने वाले हैं जिसके लिए टीम जल्द ही वहां रवाना होने वाली है। फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल रॉय ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। शाहरुख के साथ फिल्म में कटरीना और अनुष्का नजर आएंगी। कंगना रनौत और अनुराग बासु के बीच चल रहा कोल्ड वॉर खत्म हो गया है। खबर के अभी दोनों करीब 8 साल बाद एक साथ एक फिल्म में काम करेंगे। अनुराग कंगना को लेकर फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं जिसका नाम इमली रखा गया है। फिल्म की कहानी फिल्म गैंगस्टर जैसी ही बताई जा रही है। अजय देवगन और बोनी कपूर करीब 16 साल बाद एक साथ काम करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके बीच एक फिल्म को लेकर बातचीत फाइनल हो चुकी है। ये फिल्म एक बायोपिक हो सकती है जिसकी कहानी अजय को खूब पसंद आई है। रणबीर कपूर और आलिया के अफेयर के बीच अब रणबीर कपूर ने खुलासा किया है कि वो जल्द ही शादी कर सकते हैं। दरअसल संजू के ऑनलाइन प्रमोशन के दौरान एक फैन ने उनसे पूछा था कि वो शादी कब करेंगे, जिस पर रणबीर ने ऐसा रिएक्शन दिया था। लंदन में सैफ एक फैन पर जमकर गुस्सा हो गए क्योंकि इस फैन ने उनके बेटे तैमूर की फोटो खींचने की कोशिश की, जबकि सैफ उसे फोटो खींचने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन फैन मना करने के बाद भी फोटो खींच रहा था जिससे सैफ को गुस्सा आ गया। रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी को शंघाई फिल्म फेस्टिवल में शानदार रिस्पांस मिला है। फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है जिसकी जानकारी फिल्म के डायरेक्टर और यशराज फिल्म ने सोशल मीडिया पर शेयर की है।